हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द फूड कार्निवल पर। आज हम बनाएंगे चार बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी फ्रूट शेक, जिन्हें पीकर आपको गर्मियों में मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये टेस्टी शेक्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मस्क मेलन शेक। इसके लिए हमने 1.5 कप मस्क मेलन मतलब कि खरबूज लिया है और इसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। अब हम इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे। आप चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी में अब हम 1 कप ठंडा दूध डालेंगे। मैंने दूध को उबाल कर ठंडा कर लिया था। इसी में अब हम कुछ आइस क्यूब डालेंगे। हमने सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल दिया है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। बच्चों को ये शेक बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मार्केट में शेक मस्क मेलन पंच के नाम से बहुत फेमस है। इसे हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसके ऊपर अब हम थोड़े से खरबूजे के पीसेस डालकर इसे गार्निश करेंगे। तो ये लीजिए, आपका हेल्दी, रिफ्रेशिंग और यम्मी मस्क मेलन शेक रेडी हो चुका है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। अब हम बनाएंगे बनाना शेक। इसके लिए हमने 1 कप केला लिया है, लगभग 3 से 4 केले, और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसी में हम 1/4 कप चीनी डालेंगे। आप चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी में अब हम 1 कप ठंडा दूध डालेंगे और उसके बाद इसमें कुछ आइस क्यूब डालेंगे। आप चाहें तो इस शेक में आइस क्यूब्स को अवॉइड कर सकते हैं। हमने सारी चीज़ें ब्लेंडर में डाल दी है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप इस शेक को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अब इसे हमने अच्छे से स्मूथ कंसिस्टेंसी होने तक ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसी के ऊपर अब हम थोड़े से चॉप किए काजू, बादाम और पिस्ता के पीसेस डालकर इसे गार्निश करेंगे। तो ये लीजिए, आपका हेल्दी, टेस्टी और रिफ्रेशिंग बनाना शेक बनकर रेडी है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। अब हम बनाएंगे मैंगो शेक। इसके लिए हमने 1 आम लिया है, लगभग 200 ग्राम का 1 आम, और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी में अब हम 1 कप ठंडा दूध डालेंगे और उसके बाद इसमें कुछ आइस क्यूब डालेंगे। हमने सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल दिया है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो इसमें वनीला आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसी में अब हम कुछ आइस क्यूब्स और ऊपर से डालेंगे और उसके बाद इसे थोड़े नारियल के बूरे और थोड़े से आम के पीसे से गार्निश करेंगे। तो ये लीजिए, आपका टेस्टी, रिफ्रेशिंग और हेल्दी मैंगो शेक रेडी हो चुका है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। अब हम बनाएंगे चीकू शेक। इसके लिए हमने 1 कप चीकू लिया है और हमने चीकू के ऊपर का छिलका हटा दिया है। अब हम इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे। वैसे चीकू बहुत मीठा होता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर चीनी को अवॉइड कर सकते हैं। अब इसी में हम 1 कप ठंडा दूध डालेंगे और उसके बाद इसमें कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे। हमने सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल दिया है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको चीकू खाना नहीं पसंद तो आप उसका शेक ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। इसे हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसी के ऊपर अब हम थोड़े से चॉप किए बादाम और पिस्ता के पीसेस डाल के गार्निश करेंगे। तो ये लीजिए, आपका हेल्दी, टेस्टी और रिफ्रेशिंग चीकू शेक बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। आप ये चारों ही शेक ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट शेक कौन सा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें। हम ऐसे ही न्यू वीडियोस लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।